हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस ऑल न्यू टाटा टियागो के बारे में। एंड ये आज आप देख रहे हैं टियागो का टॉप मॉडल एग्जेट प्लस। तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही में बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग की एंड फीचर्स के बारे में। तो अगर आप भी कोई प्लान करें बढ़िया सेफेस्ट हैचबैक कार, तो आप जा सकते इस कार के साथ। प्राइस रेंज इसकी स्टार्ट हो जाती है 5,54,000 से, टॉप मॉडल में जाता है 8 लाख प्लस तक ऑन रोड लखनऊ। एंड इस कार में आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन दिया जाएगा, पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है इस कार के साथ। टॉप मॉडल है तो यहाँ पे देखेंगे बढ़िया सा डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऑटो फोल्डेबल, इसके आउटसाइड मिरर्स, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, डीआरएस, अंदर इंफोटेनमेंट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, जिसे काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं आपको इस कार में। एंड ये इसका मिडनाइट प्लम कलर है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया सा लगता है, रोड प्रेजेंट में काफ़ी अच्छा आपको देगा, बिकॉज पूरा ब्लैक का फील दे रहा है ये कलर कार में। एंड अभी चलेंगे कार के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ रहेगा, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। तो फ्रंट से इस तरह बढ़िया से इसकी फ्रंट प्रोफाइल। एंड सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, तो दिखेगा बढ़िया से टाटा का लोगो, क्रोम इंसर्ट में इसकी पूरी टायर डिज़ाइन में इसकी फ्रंट ग्रिल। एंड यहाँ पे जब आएंगे ना, तो देखेंगे इसके प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का पूरा सेटअप आपको दिया गया है। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर्स, हाई बीम के लिए हैलोजन्स मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पर इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर फॉग लैंप जो रहेंगे हैलोजन बेस, इसके सराउंडिंग बढ़िया सा क्रोम का यूज़। यहाँ पर देखेंगे DRL डे टाइम रनिंग लाइट्स, यहाँ पर फ्रंट में देखेंगे तो इनका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इसके बम्पर में। लोअर ग्रिल की बात कर ले तो पूरी यहाँ पे ब्लैक कलर की रहने वाली है इसके रेडिएटर ग्रिल। एंड नीचे की तरफ चलेंगे तो इस तरह इसका दिखता है पूरा नीचे का इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो आपको 170 mm का इस साइज बैग में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे प्लेन रूफ है, डुअल टोन का ऑप्शन लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं, पावर एंटीना इस तरफ। एंड इसके बाद आएंगे आउटसाइड मिरर्स की तरफ, तो ये रहने वाले बढ़िया सा ऑटो फोल्डेबल, जब भी आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे फोल्ड एंड फोल्ड हो जाएंगे। एंड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट भी इसी में आपको देखने को मिल जाएगी। साइड में आएंगे तो यहाँ पे अलॉय व्हील जो रहने वाले 15 इंच के डायमंड कट। एंड और यहाँ पे आपको आगे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, पीछे जाएंगे तो वहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर इनकी हम लोग बात कर ले तो आइए आपको दिखाते हैं, 175/60 और 15 इंच के रेडियल के टायर, इतना कुछ यहाँ पे ट्रेवल रहता है। बाकी यहाँ पे इसमें क्लाइडिंग वगैरह आपको नहीं मिलेगी, अगर आपको क्लाइडिंग थोड़ा स्पोर्टी फील चाहिए तो आप जा सकते हैं टियागो एनआरजी के साथ। एंड टियागो एनआरजी में जाएंगे तो ये भाई इसका देख रहे हैं जो आपको आता है टॉप मॉडल में, इसका एनआरजी आई मीन एग्जेट वेरिएंट में, तो प्राइसिंग इसकी एंड इसके एग्जेट प्लस की सेम ही रहेगी। बट वहाँ पे स्पोर्टी फील मिलेगा आपको, अलॉयस नहीं मिलेंगे, लुक लाइक्स आपको हाइपर स्टाइलिंग दिए जाते हैं, उसी के साथ इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वो चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह भी आपको ऑफर नहीं किए जाएंगे। तो ये कुछ आपको यहाँ पे 2-4 मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं रेगुलर वाली टियागो। एंड उसमें एक और प्लस पॉइंट आपको मिलेगा ग्राउंड क्लियरेंस का, तो इसमें 170 mm का मिलता है, उसमें जाएंगे आपको मिलेगा 181/181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। हैंडल्स यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पे चारों बढ़िया क्रोम फिनिश में दिए गए। अंदर का एक बार आपको उसका डैशबोर्ड दिखाते हैं, तो ये पूरा यहाँ पे बढ़िया सा डुअल टोन में रहने वाला है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट। अभी अंदर बैठेंगे तब आपको दिखाएंगे और क्या कुछ रहेगा इसके इंटीरियर में। तो उस साइड से चलते हैं, इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। सो अब बात करें अगर इस कार के डायमेंशन के बारे में, तो आपको इसमें मिलने वाली 3765 mm की लेंथ, 1677 mm की विथ एंड 1535 mm की हाइट मिल जाती है इस टाटा टियागो की। व्हील बेस वही मिलता है 2400 mm का इस कार में, तो डायमेंशन वाइज भी काफ़ी सही से। अब चलते इसके बैक प्रोफाइल की तरफ, यहाँ पे वाला पिलर रहेगा बढ़िया सा ब्लैक फिनिश में। और अब आएंगे कार के रियर प्रोफाइल की तरफ। एंड अगर आपको भाई चाहिए इससे भी बढ़िया 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग, तो आप जा सकते हैं टाटा पंच के साथ, जहाँ पे बढ़िया 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग एंड स्पेस वगैरह भी इससे थोड़ा आपको ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पे मिलता है फ्यूल का फिलर, 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है इस कार की। CNG वेरियंट लेना चाहें तो उसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इस कार में। रियर से देख रहे ना कितनी बढ़िया सी लग रही है। अभी भाई आपको अनबॉक्सिंग थोड़ी करते हैं, आई मीन ये सब जो लगा हुआ है ना इसको निकालते, तब तक आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा। देख रहे ना भाई साहब एकदम अभी निकल के आई ताज़ी ताज़ी। तो अभी देखिए इसकी ये पूरी रियर प्रोफाइल काफ़ी बेहतरीन सी लग रही है भाई हमारी टाटा टियागो का एक टॉप मॉडल। एंड यहाँ पे भाई साहब ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगता है देखने में, आई मीन सबसे ज़्यादा मुझे तो भाई यही पसंद है, बाकी अपनी अपनी सबकी पर्सनल चॉइस है। तो इस तरह कुछ बैक प्रोफाइल फीचर्स यहाँ पे सारे मिल जाएंगे भाई टॉप मॉडल, तो आपको किस चीज़ की कमी रहेगी इस कार में। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, डिफॉगर एंड इस तरह बढ़िया से रिमोट सेंटर लॉकिंग की देखने को मिल जाती है इस कार में। एंड वारंटी की बात करें तो आपको इसके साथ 3 साल 1,00,000 kilometer की वारंटी प्रोवाइड की जाती है, जो आपको टाटा प्रोवाइड कराते हैं। रियर प्रोफाइल की तरफ आइए चलते हैं, देखते क्या कुछ रहेगा। इस तरह प्रॉपर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बढ़िया सा टाटा का लोगो, टियागो की बैजिंग, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड ऊपर आएंगे तो रियर वाइपर, डिफॉगर यहाँ पे देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पे स्पोर्टी पैड, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, बैक लाइट से भाई यहाँ पे हैलोजनी वाली रहने वाली है, यहाँ पे सारे जो है बल्ब हैलोजन वाले रहेंगे। की इस तरह मिलेगी जहाँ पे लॉक अनलॉक, फुल में हेडलैम्प के बटन्स मिल जाते हैं। एंड ये फ्लिप की रहेगी इस कार के साथ, एक मैनुअल की दूसरी फ्लिप की। बम्पर में जाएंगे ना तो भाई टॉप मॉडल में आपको टियागो किसी में भी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, कैमरा हालांकि दिया जा रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी भाई क्रॉस कटिंग रहेगी। और इस तरह नीचे का इसका दिखेगा पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप, इधर इसकी एग्जॉस्ट पाइप
एंड अब चलें अगर इसके हम लोग बॉडी स्पेस की तरफ, तो आगे लीवर मिलेगा उससे खोल पाएंगे एंड इसी के साथ की से भी आप खोल सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये आपको टॉप मॉडल में बढ़िया क्रोम की आपको यहाँ पे स्टिप भी मिल जाएगी एंड बूट स्पेस भाई आपको मिलता है इसमें 242 लीटर का, 242 लीटर का। एंड यहाँ पे देखेंगे पार्सल ट्रे, एंड अगर आप इसके सीएनजी वेरिएंट में जा रहे हैं ना, तब भाई आपको दिक्कत होने वाली, क्यों होने वाली, टैंक लगाओ तो बूट स्पेस पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप टाटा टिगोर में जा सकते हो सेडान में, जहाँ पे सीएनजी के साथ बढ़िया से आपको बूट स्पेस भी मिल जाएगा, आई मीन स्पेस बच जाएगा। इधर देखेंगे तो यहाँ पे हुक वगैरह भी रहेगा, जहाँ 3 kg तक कुछ भी सामान टांग सकते हैं दोनों साइड। पंचर रिपेयर किट भी रहती है, वो भी कहीं पड़ी होगी। एंड स्पेयर व्हील ये इसका रहने वाला, ये आपको मिलेगा स्टील लिम। साइज यहाँ पे देखेंगे तो ये भाई साहब 13 इंची, कहाँ 15 इंची अलॉयस, सीधे 2 इंची का यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा स्पेयर व्हील एंड अलॉयस में। तो आइए इसको भी करते बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। एंड वारंटी हो ही गई, एंड इसी के साथ भाई साहब यहाँ पे कंपटीशन जो उसका होता है ना, आप मारुति वैगनार से करिए, हुंडई नियोस से करिए, हालांकि फीचर्स भले आपको कुछ ज़्यादा मिल जाएँ, जैसे कि नियोस वगैरह में आपको थोड़े फीचर ज़्यादा मिलेंगे, बट ये आपको बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी रेटिंग देखने को नहीं मिलेगी उस कार में। एंड अभी चलेंगे इस कार के अंदर, वहाँ पर देखते क्या कुछ रहेगा। तो आइए सेकेंड रो से इसको पूरा कवर करते हैं। डोर पैनल देखेंगे तो पूरा यहाँ पर डुअल टोन में दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे बढ़िया इसका डोर ओपनर क्रोम फिनिश में, ट्विटर स्पीकर्स पावर विंडो का कंट्रोल, इस तरह पूरा लेआउट फैब्रिक यहाँ पर सीट्स रहती हैं। डैशबोर्ड का पूरा व्यू यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कुछ इस तरह। सेंटर कंसोल में बढ़िया सा इंफोटेनमेंट, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक लेना चाहे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। रियर एसीवेंट्स भाई आपको किसी भी वेरिएंट में यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बॉर्डर लोडर आपको दिया जा रहा है। ये रहा इसका लेगरूम, थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी सही सा रहेगा, हैचबैक के अकॉर्डिंग आई मीन सही सा है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा है। बाकी ट्रायड रोड डिज़ाइन का आपको पैटर्न मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, पार्सल ट्रे पे भी कुछ भी छोटा मोटा सामान रखिए, आर्मरेस्ट वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा इस कार में। तो ये था इसका पूरा सेकंड रो का सेटिंग अरेंजमेंट, अभी चलते कार के बाहर। तो भाई देखो चाइल्ड लॉक का पूरा कमाल, यहाँ से कर दिया लॉक, मैं हो गया अंदर बंद, अब निकलते हैं इस साइड से बाहर। एंड अब आपको दिखाते हैं इसका इंजन स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे ड्राइवर सीट के अंदर बाद में चलेंगे, लास्ट में बात करेंगे प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। देख लीजिए एक बार, इस तरह पूरा डैशबोर्ड रहेगा। तो इसके बोनट को खोलते हैं सबसे पहले। तो ये देख रहे हैं आप इस कार का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर वर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 86 पीएस की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग वही 22 एमपीएल का माइलेज। एंड यहाँ पे देखेंगे ना तो इस तरह पूरा इंजन की आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलने वाली है, यहाँ पे ABS EBD वाली पूरी यूनिट वगैरह, इधर बैटरी वगैरह एमरॉन की आपको दी जा रही है, एंड इंसुलेशन वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी आइए इसको बंद करते हैं। बाकी CNG का लेंगे ना ऑप्शन, तो इंजन सेम रहता है एंड CNG का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस कार के साथ। तो ये हो गया भाई इसका बोनट बंद, इंजन स्पेसिफिकेशन हो गया ख़त्म, अभी चलते कार के अंदर। तो अंदर से कवर करते देखते क्या कुछ रहेगा। यहाँ पे बढ़िया सा क्रोम फिनिश में इसका डोर हैंडल्स, डोर पैनल देखेंगे तो पूरा डबल टोन में रहने वाली है, चारों पावर विंडो के यहाँ पे कंट्रोल्स रहेंगे, डोर ओपनर बढ़िया सा क्रोम फिनिश में, यहाँ पे नीचे स्पीकर्स बटन होल्डर्स ORV एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सीट्स वही ट्रायड डिज़ाइन में आपको फैब्रिक की मिलती है, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन, ये दोनों ऑप्शंस। एंड यहाँ पे रहेगा इसका बूट ओपनर, फ्यूल लीड ओपनर, दोनों चीज़ें, मैनुअल ट्रांसमिशन के बेसिक पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर यहाँ पे, यहाँ पे अपने कॉइन्स वॉइन्स कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। एंड इस तरह कुछ की रहेगी जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। एनआरजी में आपको केले सेंट्री मिल जाती है, बट इसमें नहीं मिलेगी, लगाते की को फिर बैठते कार के अंदर। एंड इस तरह पूरा देखेंगे डैशबोर्ड का व्यू। तो भाई गाड़ी एकदम देख रहे हैं ना रेडी है, इधर देख रहे हैं ना भाई सब सफाई कर रहे हैं, इधर एसेसरीज लग रही है, तो एकदम डिलीवरी के लिए रेडी है। एंड अभी इससे पहले हम लोग कवर करते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड वगैरह। तो सबसे पहले इग्निशन आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो ये आपको मिलने वाला फुल्ली डिजिटल, जो आपको बेसिक मॉडल से ऑफर किया जा रहा है, काफ़ी सारी चेकलाइट्स वगैरह। इसको करते हैं सबसे पहले म्यूट, इस तरह यहाँ पे इसका व्यू। यहाँ पे आएंगे तो बढ़िया सा टाटा का लोगो, इधर इंफोटेनमेंट, टेलीफोनी के सारे कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिलने वाला इस कार में, मतलब किसी भी वेरिएंट में। नॉर्मल से स्टीयरिंग, कोई रैप वगैरह नहीं रहेगा, बाद में आप करा सकते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखेंगे तो टिल्ट एडजस्टेबल रहेगी इसकी स्टीयरिंग। यहाँ पे जाएंगे तो वही आपको मिलते हैं इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो वही वाइपर्स के कंट्रोल्स। एंड क्लस्टर की तरफ आते हैं तो ये भाई अनलॉक तो नहीं है, पूरा डिजिटल आपको मिलेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। भाई साहब TPMS देख रहे हैं ना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे एड ऑन हो चुका है इसमें। एंड यहाँ से आप इसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज ऑडियोमीटर, रेंज, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे इधर। यहाँ पे टेम्परेचर के बार, यहाँ पे फ्यूल गेज वाले बार, CNG लेंगे तो यहाँ पे CNG के बार्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये था इसका पूरा क्लस्टर। एंड अब आएंगे सेंटर कंसोल में, ये रहा इसका पूरा सेंटर कंसोल। यहाँ पे मिलेगा हेजलाइट का स्विच, टिकटॉक। यहाँ पे आएंगे तो बड़ी ऐसी इवेंट सराउंडिंग, पूरा यहाँ पे क्रोम फिनिश, 7 इंचेस वाला वही इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पावर्ड बाय हरमन, एंड्रॉयड ऑटो पेल कार पे, USB ऑक जैसी सारी कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा ये चेक करते हैं हम लोग,
तो ये रही इसकी भाई क्वालिटी एंड क्लियरिटी। यहाँ पे थोड़ा अपडेट होना चाहिए भाई, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, जैसे कि अभी अल्ट्रॉस हो गई, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, इन सब में बड़ा आ गया है। जैसे सफारी हैरियर में आ चुका है, अल्ट्रॉस में आने वाला है, तो उस तरह यहाँ पे भी थोड़ा अपडेट हो जाना, तोरी गजब की हो जाएगा ये हमारी टियागो। नीचे भी फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा लग रहा है, पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी यहाँ पे दी गई है। आराम से बाबू आराम से यहाँ पे आएंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे देखेंगे तो 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, एंड एमटी लेना चाहें तो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के साथ। यहाँ पे जाएंगे तो वही हैंड ब्रेक, ये रहे इसके 2 ग्लास होल्डर, पीछे का बॉटल होल्डर, थोड़ा सा भाई भी साफ सफाई चली, इसलिए इग्नोर करिएगा अगर कहीं गंदी वंदी आपको दिखे। ट्विटर्स वगैरह यहाँ पे पिलर्स में देख सकते हैं, वो आरबी एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स हो गया है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आएंगे तो ये रहा इसका बढ़िया सा ग्लव बॉक्स, देख रहे ना मैंने बताया था पंचर पिरकिट यहाँ पे आगे की तरफ रखी हुई है, कूल्ड रहने वाला इसका ग्लव बॉक्स, टैबलेट होल्डर भी आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ये था इसका पूरा ग्लव बॉक्स, इधर का डोर पैनल, ऊपर आएंगे ना तो एडजस्टेबल इसका IRVM, यहाँ पे माइक दिया गया है बात बात करने के लिए, देन सनवाइजर में यहाँ पे रहेगा इसका टिकट होल्डर, एंड इधर जाएंगे तो यहाँ पे बढ़िया सा वेंटी मिरर, एंड इधर ग्रैप हैंडल, और यहाँ पे लाइट्स बढ़िया वाइट वाली रहने वाली हैं जो काफ़ी सही से लगेंगी नाइट में। पीछे का केबिन आपने देख लिया, स्पेस वगैरह हैचबैक के अकॉर्डिंग काफ़ी सही से रहता है। बाकी भाई सेफ्टी आपको मिल रही, फीचर्स भी देखा जाए सारे मिल जा रहे हैं, हालांकि हाईटेक वाले फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें ना ओवरऑल सेफ्टी प्लस फीचर्स वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी सही से अपने सेगमेंट की टाटा टियागो। तो भाई अगर इससे भी आपको अपग्रेड करना है तो टाटा पंच का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो अभी चलते कार के बाहर, फिर हम लोग बात करेंगे इसके प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। और ये सब देख रहे हो डोर वाइजर वगैरह यहाँ पे सब लगाया जा रहा है, तो अभी भाई ये सब यहाँ पे एसेसरीज में इंस्टॉल की जा रही है, बाकी ये सब अलग से होगा, इसके प्राइसिंग में इंक्लूड नहीं होगा। एंड अभी बात करें मॉडल की प्राइसिंग की, बात करें अगर इसके पेट्रोल वारंटी एग्जेट प्लस पेट्रोल वारंटी, तो ये आपको पड़ने वाला 7,05,000 एक्स रूम एंड 8,01,000 जाता ऑन रोड लखनऊ। एंड यही थी इसकी प्राइसिंग। सेफ्टी फीचर्स में आपको उसमें ABS, EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कार में। तो यही था आज का हमारा वीडियो टाटा टियागो पे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको किसी बेहतरीन से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।